अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकरम और आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश NTS पोर्शन के MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इज प्राउड, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे हिज वेल्थ, तो राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑफ, ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपनी दौलत का गरूर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, वी आर आंसरेबल, हम जवाब दे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है गॉड अल्लाह को या खुदा को यहाँ पे, तो राइट आंसर हमारे पास बनेगा 2, आंसरेबल 2। इसके साथ ही हमने आपके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट तैयार किया जिसका जो लिंक है वो कमेंट में पिन किया हुआ है। नंबर 3 है, हाउ लॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे इंग्लिश, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, हैव यू बीन लर्निंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो सेंटेंस है सही उसको हमने सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1965। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनेस्ट पॉवर्टी इज बेटर देन डिसअनेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे वर्ड आएगा रिचेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट द राइट ईडियम, ईडियम यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है जो सही लिखा हुआ है वह फर्स्ट, बाद में दी मिट नॉट ऑयल, इसका मतलब होता है कि मेहनत करना, खूब मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट दी राइट ईडियम, सही ईडियम बताना है कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन शुड डू, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे ड्यूटी अनेस्टली, वंस यहाँ पे वर्ड आएगा वंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी अनेस्टली। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट, आबोहवा कुछ कदरे प्लेजेंट बेहतर थी, खुशगवार थी, ऑप्शन नंबर ए, एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट प्लेजेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन, फिल इन द ब्लैंक्स है कैन लीड टू इलनेस, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी की वजह से बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिक द राइट वर्ड, ये पे करेक्ट स्पेलिंग बताने हमारे, ऑप्शन नंबर सी, कंटेम्पोरेरी, हम असर होता है जो एक जमाने के लोग हों, इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए पुलिसमैन वाज किल्ड एंड 40 लेबर वाउंडेड इन दी, फिल इन दी ब्लैंक से यहाँ पे बिटवीन ए बैंड ऑफ स्ट्राइकर एंड पुलिस यस्टरडे, एक पुलिसमैन और 40 मजदूर तो जख्मी हो गए आपस में, यहाँ पे वर्ड जो आएगा फाइट, लड़ाई की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही कांट स्टॉप यू कमिंग हेयर, फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे फ्रॉम कमिंग हेयर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, एडवर्टाइजमेंट वेल स्टार जो है वो, फिल इन द ब्लैंक है यूअर सेल, आपकी सेल क्या करेगा, बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही लिव्स, फिल इन द ब्लैंक है ए स्मॉल इनकम, वो एक छोटी आमदनी पर गुजारा करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास वर्ड आएगा ऑन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू राइट देयर नेम इन इंक, तालिब इल्म जो है अपने नाम लिखें स्याही के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही इज राजपूत, वो राजपूत है बाई कास्ट, जात की वजह से, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई एम एस्टोनिश्ड, हैरान, आई एम एस्टोनिश्ड हैरान हूँ एट हिज बिहेवियर, उसके रवैये पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए मंकी इज नॉट कैपेबल फ्लाइंग इन द एयर, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे बंदर जो है वो नहीं उड़ सकता, ऑफ, ए मंकी इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इन द एयर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिनोनिम ऑफ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप होता है असल, रियल जो चीज़ होती है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं, तो इसका सिनोनिम आएगा ओरिजिनल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिनोनिम ऑफ स्टोइक, स्टोइक होता है वो इंसान जो सब्र कर लेता है, मुश्किलात को बर्दाश्त कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी, द पर्सन हु कैन एंड्योर पेन। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिनोनिम ऑफ साइनिक, साइनिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको कुछ भी किसी भी चीज़ में कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी, वन हु सीज नो गुड इन एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिनोनिम ऑफ आफुल, आफुल का मतलब होता है
दर्दनाक, खतरनाक, तो ये ऑप्शन नंबर बी ड्रेडफुल। क्वेश्चन नंबर 24 है सिनोनिम ऑफ इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है जालसाज, धोखा देने वाला, चीट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है सिनोनिम ऑफ एंड एवर, इसका मतलब होता है कि आप जद्दोजहद करना, कोशिश करना, ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है एंटोनिम ऑफ एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना किसी चीज को, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा डिक्रीज, किसी चीज को कम कर देना। क्वेश्चन नंबर 27 है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है मुनासिब चीज, माकूल चीज, तो ऑप्शन नंबर सी इन अप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब बनेगा, ये एंटोनिम है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 एंटोनिम ऑफ एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चलाक, तेज, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा लेजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है एंटोनिम ऑफ समिट। समिट होता है बुलंदी, चोटी, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा बेस, बुनियाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है एंटोनिम ऑफ जोवियल। जोवियल जिंदा दिल, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा ग्लूमी, दुखी। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी वीडियो देखने के मन चैनल को सब्सक्राइब।